हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो चैनल रेसलिंग हिंदी न्यूज। तो फाइनली रॉ बिफोर मेनिया हो चुका है कम्प्लीट तरीके से पूरा खत्म और यहाँ पर सभी मैचेस के तगड़े रिजल्ट झुके हुए थे आज के रॉ के एपिसोड में वो आ चुके हैं सामने। साथ ही साथ और भी हमें काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है धमाकेदार चीज़ें दिखाई दी इस रॉ के एपिसोड में। और ये फाइनल रॉ थी जहाँ पर WWE हमें बिल्डअप दिखा दिया WrestleMania 35 को लेकर। साथ ही साथ यहाँ पर हुआ कुछ बहुत ही बड़े सुपरस्टार्स का अरेस्ट, एक बहुत ही तगड़ा मैच हुआ कैंसिल, डीमन फिन बैलर की रिटर्न हुई कन्फर्म, बटिस्टा ने किया रिटर्न। तो कुल मिला के रॉ का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो आपको जानने के लिए मिलेंगे रॉ के एपिसोड के मैचेस के सभी रिजल्ट्स। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। यहाँ पर शो की शुरुआत होती है स्टेफनी मैकमैन के साथ, जिनकी लास्ट मोमेंट पर रिटर्न कंफर्म की गई रॉ के एपिसोड में, जहाँ पर उन्होंने एड्रेस किया WrestleMania 35 के मेन इवेंट को और उन्होंने इस बात को अनाउंस किया कि जो बेकी लेंच एंड शार्लोट फ्लेयर एंड रोंडा राउज़ी के बीच मैच होने वाला है। अब यहाँ पर एक और जो तगड़ी स्टिपुलेशन ऐड होगी वो ये कि यहाँ पर हमें विनर टेक्स ऑल आता हुआ नजर आने वाला है, यानी कि WWE की तरफ से स्टिपुलेशन ऐड हो चुकी है। और साथ ही साथ में उनका कहना ये था जो विनर होने वाला है उसको मिलने वाले दोनों की दोनों चैंपियनशिप्स। साथ ही साथ में उसके बाद हमें पॉल हेमन एंड ब्रॉक लेसनर एंड सेथ रॉलिंस के बीच सेगमेंट दिखाई देता है WrestleMania 35 से पहले। और कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी कुछ धमाकेदार और इंटरेस्टिंग चीज़ें जरूर होनी थी। और यहाँ पर हमें दिखाई देता है किस तरह से ब्रॉक लेसनर एंड पॉल हेमन फिर से वही बात करते हैं किस तरह से वो हरा सकते सेथ रॉलिंस को। और लेकिन जैसे बीच में सेथ रॉलिंस की होती है इंटरप्शन, वहाँ सेथ रॉलिंस आ जाते हैं, फैंस की तरफ से काफ़ी अच्छा पॉप होता है। और यहाँ पर हमें दिखाई देता है किस तरह सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं WrestleMania 35 में इम्पॉसिबल चीज़ करने वाला हूँ, जब मैं हरा दूंगा तुम्हें और ले लूँगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप। साथ ही साथ वो कहते हैं किस तरह से ब्रॉक लेसनर लॉकर रूम की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और उसके बाद जैसे ब्रॉक लेसनर जाते होते हैं थोड़े से सेगमेंट के बाद, हमें दिखाई देता है किस तरह से सेथ रॉलिंस उन्हें घुमाते हैं और एक लो ब्लो दे देते हैं और उसके बाद देते हैं एक सुपर किक और दो लो ब्लो देने के बाद और उसके बाद फाइनली एक स्टंप देते हुए नजर आते हैं ब्रॉक लेसनर को और यूनिवर्सल चैंपियनशिप को अपने हाथों में लेते हुए नजर आते हैं। जिसके बाद हमें एक 8-woman टैग टीम मैच दिखाई देता है और ये था नाया जैक्स, टमिना, एंडी एक्लोनिस वर्सेस बेथी फिनोक्स, नटालिया एंड साशा बैंक्स के बीच। यहां पर इनके रिटर्न और मैच काफी ज्यादा बेहतरीन के दोनों टीम्स की तरफ से काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। और मैच के एंडिंग में हमें दिखाई देता है किस तरह से बेथी फिनोक्स के बिग स्लैम के बाद इस मैच में जीत हो जाती है बेथी फिनोक्स, नटालिया, साशा बैंक्स एंड भीली की। जिसके बाद हमें एक जो बड़ा सेगमेंट दिखाई देता है वो था बटिस्टा का सेगमेंट और बटिस्टा रिंग के अंदर आते हैं और यहाँ पर WrestleMania 35 से पहले लास्ट रॉ का जैसे मैंने आपको कहा एपिसोड था और ठीक उसी तरीके से यहाँ पर बार बार मॉक करते ट्रिपल एच को और एंड में फिर से वो मॉक करते हुए चले जाते जब वो कहते हैं हंटर किस माई एस। जिसके बाद हमें अपोलो क्रूज वर्सेस जिंदर महान के बीच एक सेगमेंट दिखाई देता है और इस मैच की एंडिंग में फ्रॉक स्प्लैश देने के बाद हरा देते हैं अपोलो क्रूज जिंदर महान को। जिसके बाद हमें एक जो बड़ा सेगमेंट दिखाई देता है या फिर एक जो बड़ा मैच दिखाई देना था वो होता है कर्ट एंगल वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच। और ये मैच WWE की तरफ से बहुत पहले कन्फर्म हो गया था लेकिन इस रॉ के एपिसोड में दिखाई देता है किस तरह से मैच में हो जाते हैं चेंजेस जब बैरन कॉर्बन बीच में इंटरप्शन करते थे मैच की शुरुआत होने से पहले। और उसके बाद हमें दिखाई देता है किस तरह से कर्ट एंगल रे मिस्टीरियो दोनों मिलकर मारते हैं यहाँ पर बैरन कॉर्बन को और उसके बाद रे मिस्टीरियो यहाँ पर चैलेंज कर देते हैं बैरन कॉर्बन को एक मैच के लिए जो कि हमें बाद में दिखाई देता है। लेकिन उसके बाद हमें दिखाई देता है एक रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप का मैच जहाँ पर हमें रिचुशेट एंड लिस्टर ब्लैक एंड रिवाइवल फेस करते हुए नजर आते हैं और इस मैच में हमें जीत दिखाई दी जाती है एंड में द टॉप गाइज द रिवाइवल के। और यहाँ पर विनर जो होते हैं वो होते हैं काउंट आउट की तरफ से। इसके बाद हमें एक जो बहुत ही तगड़ा मैच दिखाई देता है वो था 6-woman टैग टीम मैच जहाँ पर रायट स्क्वाड ने फेस किया रोंडा राउज़ी, बेकी लिंच एंड शार्लोट फ्लेयर को। और यहाँ पर जो पहले वुमेन या फिर करते अटैक अपने टीममेट्स पर उसको WrestleMania 35 के मैच से निकाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाई देता है किस तरह से रोंडा रोजी काफी जल्दी टैप आउट करवा देती है लिव मॉर्गन को और उसके तुरंत बाद वो अटैक करना शुरू कर देती है यहाँ पर शार्लोट फ्लेयर एंड बेकी लिंच पर। और उसके बाद हमें दिखाई देता है किस तरह से क्राउड काफी ज्यादा खुश हो जाता है और शार्लोट फ्लेयर फिर से मारने लग जाती है रोंडा रोजी को। लेकिन उसके बाद दिखाई देता है किस तरह से बीच में सिक्योरिटी वगैरह आ जाती है, उनके हाथ वगैरह बांध देती है और उसके बाद वो जब ले जाते हैं उन्हें बैक स्टेज पर। हमें दिखाई देता है किस तरह से यहाँ पर जब वो कार के अंदर बिठाते हैं यहाँ पर जो रोंडा रोजियन बेकी लिंच है वो लातों से लड़ना शुरू कर देती हैं। और उसके बाद हमें दिखाई देते किस तरह से फाइनल जो WWE में जो पुलिस आती है वो अलग करती तीनों वुमेन्स को और वो उन्हें जेल तरह का भेज देते हैं या फिर कहूँ एक तरह का पुलिस स्टेशन भेज देते। तो देखते हैं WrestleMania 35 में कौन सी वुमेन जीतती है। इसके अलावा नेक्स्ट मैच जो आता है वो था चैड गेबल एंड बॉबी रूडी वर्सेज द हैवी मशीनरी के बीच। मैच के बीच में फिर से लेसी इवेंट्स आती हुई नजर आते हैं लेकिन स्टिल मैच की एंडिंग में जीत हो जाती है यहाँ पर हैवी मशीनरी की। जिसके बाद हमें ब्रॉन स्ट्रोमन का एक 2-on-1 हैंडीकैप मैच दिखाई देता है और एक तरह का
देखता हूँ, ये लोग जो थे ये फ्री टैलेंट थे और यहाँ पर इंडिपेंडेंट सर्किट से आए थे, लेकिन हमें दिखाई थे किस तरह से मैच में पूरी तरीके से डोमिनेट करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन एंड में इस मैच में जीत हासिल भी कर लेते हैं, जिसके बाद हमें रे मिस्टीरियो वर्सेस बैरन कॉर्बिन के बीच दिखाई देता है एक तगड़ा मैच। और इस मैच में हमें दिखाई देता है किस तरह से बैरन कॉर्बिन काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। WWE ने कहीं बैरन कॉर्बिन को इस मैच में काफ़ी ज़्यादा तगड़ा भी दिखाया और मैच की एंडिंग में हमें जीत दिखाई दे जाती है बैरन कॉर्बिन की, जब वो हरा देते हैं रे मिस्टीरियो को रॉ के मेन इवेंट में। और उसके बाद हमें दिखाई देता है किस तरह से मैच की या फिर कहूँ रॉ की एंडिंग में हमें वहाँ से कर्ट एंगल आते हुए नजर आते हैं और वो लगा देते हैं एक एंकल लॉक बैरन कॉर्बिन को स्टेज पर। तो यार बस ये थी धमाकेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए। अगर इस वीडियो को देख के आपको थोड़ा सा मजा आया तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक मार दो, साथ ही साथ आप लोग कमेंट करके बताना आपके क्या थॉट्स हैं आज के रॉ के मेन इवेंट के बारे में और आपको कैसा लगा आज का रॉ का मेन इवेंट या फिर पूरा रॉ का एपिसोड। साथ ही साथ कर सकते हो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन, जिसे प्रेस करने के बाद आपको WWE रेसलिंग से जुड़ी ऐसी बड़ी और धमाकेदार इंटरेस्टिंग अपडेट डेली जान पाओगे। तो मिलता हूँ आपसे अगले ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।